sveta, sudbina je moja kleta. Ova duša nema dom, ova duša nema ton. Crne zore, sve će gore, moje more. आ गए आप लोग गाइस, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। अब हम लोग फाइनली इंडिया के थर्ड बिगेस्ट यूट्यूबर में आ चुके हैं क्राफ्ट्समैन की लिस्ट में। तो भाई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, भाई मेरे को तो ये बात पता भी नहीं चली थी, मुझे आप ही में से किसी एक बंदे ने ये कमेंट किया था तब मुझे ये बात की पता चला। एंड भाई बस दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया था एक्चुअली में हम लोग अभी थर्ड नंबर पर है। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड आज इसी खुशी में मैं आप लोग के लिए एक ऑसम सी वीडियो लेके आया हूँ। गैस व्हाट, आज मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः या सात, पता नहीं कितना है मैं भाई गिनती भी नहीं किया, मैं आपको सीधे इतने सारे सर्वर होस्टर्स देने वाला हूँ क्राफ्ट्समैन के लिए कि किसी ने सोची भी ना होगी। तो गाइस आज की इस ऑसम सी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे छः या सात, आई डोंट नो कितने हैं, पूरे सर्वर होस्टर्स देने वाला हूँ। एंड मैं पहली बता दूँ, मैं आप लोगों को सबसे सर्वर क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, हाँ एक आध का मैं लॉगिन करके जरूर दिखा दूंगा, बट हर एक का सर्वर क्रिएट करके मैं नहीं दिखा सकता, इसीलिए आप लोग को सर्वर तो खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ मैं आप लोग को सर्वर नोट्स के बारे में जरूर बता दूंगा एंड सभी का स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फिर आप लोग को सर्वर क्रिएट करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत तो आने से नहीं। तो फिर चलो जल्दी से काम करते हैं, अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वीडियो हो सकता है कि 10 मिनट से ऊपर की चली जाए। ओके सो हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आप लोग को सिंपली गूगल पे क्लिक करना है एंड यहाँ आने के बाद आपको टॉर्टॉइसेस स्टूडियो लिख देना है। अब देखो मैं टॉर्टॉइसेस स्टूडियो लिख रहा हूँ, वैसे तो आप टॉर्टॉइसेस डॉट स्टूडियो भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ इसमें एक एरर आ जाता है इसलिए आप डॉट को हटा ही देना। रुको मैं डॉट को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे गैप छोड़ते हैं एंड सर्च करते हैं। ओके सो यहाँ पे टॉर्टॉइसेस डैशबोर्ड करके कुछ आ रहा है, लेकिन हम नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया एंड हमारे पास अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो चलो जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ पूरा अकाउंट क्रिएट करने के बाद। गाइस मैंने जैसे कि आप लोग बताया कि मैं आपको बस लॉगिन करना दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन बाकी का सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। सेम है, मैंने एक आध वीडियो भी बना रखी है, मैं दिखा दूंगा कि कौन सी वीडियो है। ओके सो चलो मैं काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एंड ये देख सकते हो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आ चुका हूँ। आप लोग भी कर लेना, बड़ा सिंपल है एंड आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो मैं कितने सारे सर्वर क्रिएट करके डिलीट कर चुका हूँ एंड अब ये मेरा ग्लिच हो चुका है पूरी तरीके से। मतलब आप लोग देख सकते हो मैं इस सर्वर को ना ही डिलीट कर पा रहा हूँ ना ही इसे मैनेज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि भाई ये मेरा पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है इस आईडी से। लेकिन आप लोग जब नई नई बार आओगे ना तो आपका कोई भी एरर नहीं आने वाला, आप लोग प्रॉपर ढंग से यहाँ पे खेल सकते हो यानी कि अपना सर्वर बना सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे तो मेरा ग्लिच चुका है इसलिए मैं तो इससे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन डोंट वरी क्रिएट सर्वर क्रिएट करने का ऑप्शन सेम ही है। ओके सो हम लोग अपने सेकंड नंबर के आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको वापस से गूगल पे सर्च कर देना है लाइम नोड्स। ओके मैंने लाइम नोड सर्च कर दिया। ओके यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का जो दिखाई देगा ना स्केयर्स होस्ट लिखा होगा ऊपर है, फिर लाइम नोट्स फ्री ऐसे करके कुछ लिखा होगा, आपको उसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो गाइस यहाँ पे आप लोग को नॉर्मली देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन है जिस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पैसे देने को बोल रहे हैं कुछ, लेकिन आखिर इससे फ्री में कैसे करना है चलो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ क्योंकि भाई पूरी बताने लग गया तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस आपको फ्री में अगर सर्वर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर जैसे ही आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, मैंने तो यहाँ पर कटस कर दिया, एक काम करता हूँ दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, यार पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ एंड यस यहाँ पे यूज़र नेम कुछ डालने को बोल रहे हैं, लेकिन लॉगिन करना है तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ बाद का स्टेप है, फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे करते हैं। ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे फ्री होस्टिंग दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ओके सर चलो फ्री होस्टिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ आने बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। चलो इन्हें वेरीफाई हो जाने देते हैं, आप देख सकते हैं आपको कुछ ग्रीन ग्रीन हो रहा है
एंड ये हो जाएगा तो आपका एक बॉक्स टाइप का बनाएगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है एक बार। चलो एक बार करने देते हैं, पहले से एक बार लाइन ही लाइन बताता हूँ आपको। ओके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स बना गया, इस पर हम टिक करेंगे एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ गोल गोल घूमने लग गया एंड प्रोसीडिंग कुछ ऐसे लिखाने लग गया है। ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइन इन वाइन इन करने का ऑप्शन आ गया, जो कि कंपलसरी आपको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग सर्वर के डैशबोर्ड पे आ चुके हो एंड आप इससे एक दो नहीं पूरे 10 सर्वर क्रिएट कर सकते हो। समझ रहे हो ना भाई कितना ऑसम है। आपको सिंपली क्रिएट सर्वर पे क्लिक करना है एंड देन आप लोग को ये लॉगिन वॉगिन कुछ करने को बोलेंगे। हाँ ईमेल वेरिफिकेशन यानी ऊपर ईमेल आ चुका है आपको, वो कर देना है एंड यहाँ पे डिस्कॉर्ड वेरिफिकेशन करना है। नॉर्मली है, मैंने आपको ऑलरेडी अगर नहीं भी बताया तो भाई ये तो आप कर ही लोगे। ओके सो हम लोग थर्ड होस्टर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेदर होस्टिंग हमें लिखना है एंड इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इससे सर्वर कैसे क्रिएट करना है। हालांकि वो 1.9.260 वर्जन के लिए था, लेकिन आप लोग सेम टू सेम स्टेप लगा के 0.15.10 में भी डाउनलोड कर सकते हो एंड बाय द वे आपको बिन की जरूरत पड़ेगी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड क्राफ्ट्समैन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन और पासवर्ड डाल देना है एंड बाकी सारे स्टेप तो भाई मैंने वीडियो में दिखाई रखा है। आप लोग इस वाली वीडियो को, जी हाँ इसी वाली वीडियो को जाके देख लोगे तो आपको अब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा एंड या यहाँ पे और कुछ तो है नहीं लॉग इन करने के, तो आप लोगों को कर लेना, उसमें कुछ हार्ड तो है नहीं और बाकी सब कुछ आपको वीडियो देख के समझ में आ ही जाएगा। एंड चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं जो कि है हमारा रेट स्लैब। ओके गाइस तो ये स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें दिक्कत हो जाती है कि वो लोग नहीं कर पाते तो बिकॉज वो लोग स्पेलिंग ही गलत डालते, तो स्पेलिंग ध्यान से देख लो रेट स्लैब यही है, नहीं तो आप रेट स्लैब डॉट एक्स वाई जी करके भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हो इन्होंने क्लियरली खुद ही दिखा रखा है कि आप लोगों को कैसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग जूम करके देख सकते हो ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वर है, तो मतलब आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो चलो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं एंड देन आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों के यहाँ पे फ्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ यहाँ पे साइन अप पे आपको क्लिक करने से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, वेट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ ऑथेंटिकेट विद डिस्कॉर्ड, नीचे कुछ ऐसे करके ऑप्शन आ रहा है आपको वो कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोग को वही कर देना है एंड आप लोग यहाँ पे फाइनली रजिस्टर्ड हो जाओगे एंड आप लोग अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। फाइनली चलो हम चलते अपने नेक्स्ट सर्वर होस्टर की तरफ। तो यहाँ पे है Xeon Nodes हमारा नेक्स्ट सर्वर। वेट जेड आर्चीवर क्या सर्च कर रहा हूँ यार, इसको इरेज करो। Xeon Nodes ओके यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे दिया है। Xeon Nodes हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं Xeon Nodes प्रीमियम होस्टिंग लिखा हुआ है, वैसे तो प्रीमियम लिखा होता है लेकिन यहाँ पे प्रीमियम लिखा है। ओके यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को सिंपली डिस्कॉर्ड गेट स्टार्टेड कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए काम करता हूँ, मैं पहले डिस्कॉर्ड पे क्लिक करके एक बार चेक करता हूँ डिस्कॉर्ड पे क्लिक करने से होता क्या है। वेट मैंने क्लिक तो किया एंड कुछ अजीब सा ही इंटरफेस आ चुका है एंड यस इन्होंने मुझे अपने डिस्कॉर्ड पे एक्सेप्ट इनवाइट करके दे रहा है। चलो मैं इनका इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता हूं। 223 मेंबर्स है, यानी बहुत कम लोगों ने अभी तक इससे सर्वर क्रिएट किया है यार। एंड यहाँ पे लिखा भी है @PAGaming वेलकम टू Xeon Nodes डॉट xyz। तो चलो यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं वापस से। ओके तो यहाँ से हट जाते क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ काम होगा। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, डिस्कॉर्ड पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोग लॉगिन करने को बोल रहे हैं। देखो मैं फिलहाल तो लॉगिन रजिस्टर्ड हुई नहीं, आप लोगों को ऊपर क्लिक करना है जिसके बाद आप लोग यहाँ पे फाइनली रजिस्टर कर पाओगे एंड यहाँ आने के बाद आप लोगों को सिंपली लॉगिन कर देना, आप लोगों का ये सर्वर भी बन के क्रिएट हो जाएगा। एंड चलो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज इसका इंटरफेस बिल्कुल लाइम नोट जैसा है, तो इससे कुछ आपको दिक्कत आने ही सही रही। एंड आपको ऑप्टिक लिंक पे क्लिक करना है, हमारा मतलब नेक्स्ट सर्वर है ऑप्टिक लिंक वाला। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को पहले लिंक पे क्लिक करना है एंड मैंने इसकी भी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड या आपको फिर जाके मुझे लगता है किसी भी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप लोग 2-3 वीडियो में देख लोगे ना सर्वर क्रिएट करके आप लोगों को बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके का इंटरफेस आ रहा है एंड या ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज जरूर है, लेकिन हाँ प्रोसेस सबके सब सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिखाई दे ही रहा है, आप लोग अपना सिंपली अकाउंट क्रिएट करने पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके अपने आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है एंड देन अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली आप लोगों को सर्वर को क्रिएट कर देना है। आप लोग वो वीडियो देखोगे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। एंड या इसमें और कुछ दिखाने को तो है नहीं सिवाय यहाँ पे डैशबोर्ड पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करके लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना। एंड या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड ट्रस्टेड ऐप है, आपको इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, लेकिन आपको तो मैं वेबसाइट से ही कहूँगा कि आप लोग वेबसाइट से ही बनाना, बेकार में अपने स्टोरेज क्यों भरना मोबाइल का। एंड या ये बहुत ज़्यादा लैग फ्री सर्वर देता है, तो आप लोग इसे ट्राई जरूर करना।
एंड गाइस हमारा जो नेक्स्ट 7 नंबर का है वो है लेम होस्ट। गाइस आप लोग इस सर्वर मतलब इस पे भी आके जरूर देख लेना, मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है। हालांकि ये 24/7 तो नहीं है, ये कुछ देर बाद क्लोज हो जाता है, मतलब कुछ घंटों बाद ये बंद हो जाता है, लेकिन हाँ आपको लैग फ्री सर्वर ये जरूर एक दिन दे देगा। एंड या अगर आप लोगों को अपनी टेस्टिंग सर्वर ट्राई करनी है या फिर SMPs बनाना है तो आप लोग इससे आके जरूर बना सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, ये वाली आप लोग जाके जरूर से देख लेना। एंड इसमें तो भाई मैंने बिल्कुल ही मक्खन की तरह समझाया, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप लोग सिंपली सबसे ऊपर पॉकेट माइन MP नाम से दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ $0 करके आ रहा होगा, आपको ऑर्डर पे करना है। एंड आपको यूरोप जर्मनी या फिर ऐसे करके कुछ करना था, आप उस वीडियो में देख लेना भाई, मैं अभी थोड़ा सा टाइम हो गया मैं भूल चुका हूँ। एंड आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है ना तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या आपको किसी भी चीज़ में कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे से नीचे कमेंट कर लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने की। एंड या आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद ही आई होगी, और प्लीज़ यार प्लीज़ थोड़ा सा एक छोटा सा लाइक का बटन कर दो, बिल्कुल फ्री होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके चला जाता है। एंड या अब हमें जल्दी से जल्दी टॉप 1 में भी आना है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।